हेलो चिल्ड्रन हमारा जो आज का टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्पीयर्स अब हमने पिछले चैप्टर में सीखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट वन में सीखा था कि एक स्पीयर कंडक्टिंग भी हो सकता है नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्पीयर्स भी पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्पीयर्स भी पढ़ेंगे इसी के साथ हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का कोई ना कोई लेना देना होता है तो उसी रिलेशन का हम यूज करेंगे तो पिछले वीडियो के जो रिलेशन आए थे उस की मदद से अब हम का पता लगाएंगे। तो चिल्ड्रेन सबसे पहले हम पता लगाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्पियर यूनिफॉर्मली चार्ज स्पियर का मतलब होता है चार्ज उस पियर के अंदर भी है यूनिफॉर्मली का मतलब उस स्पीयर के अंदर है चार्ज तो चिल्ड्रन, कंडक्टर में चार्ज इस तरह से अंदर हो सकता है क्या कंडक्टर के बिल्कुल नहीं इसीलिए कौन सा स्पियर है नॉन कंडक्टिंग स्पीय और सबसे पहले हम पोटेंशियल निकालेंगे यहां यह पॉइंट स्पीयर के अंदर है या बाहर है यह आप बताइए कोर्स ये पॉइंट बाहर है आई विल कैलकुलेट द पोटेंशियल आउटसाइड द स्पीयर तो केस वन आई विल कैलकुलेट पोटेंशियल आउटसाइड द स्पीयर हमारा जो पॉइंट है वो आउटसाइड है सेंटर से डिस्टेंस तो यह है छोटू आर छोटू आर इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर यह मैं आपको पिछले चैप्टर में भी बता चुका हूं और कैपिटल आर क्या होता है कैपिटल आर होता है रेडियस ऑफ द स्पीयर तो छोटू आर और कैपिटल आर में फर्क साफ साफ पता होना चाहिए छोटू आर होता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट और बड़ा आर होता है रेडियस ऑफ द तो चिल्ड्रन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट वन चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई उसकी वैल्यू होती है के क्यू बाय छोटू आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड नॉन कंडक्टिंग स्पीयर इतना होता है ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट वन में पढ़ा था अगर याद नहीं है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो तो मुझे इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो क्या मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल पता चल जाएगा बिल्कुल पता चल जाएगा मैं क्या यूज कर सकता हूं E इज इक्वल्स टू माइनस बाय पिछले वीडियो में हमने रिलेशन देखा था तो E की वैल्यू डाल देते हैं। के क्यू बाय आर स्कोर डी को यहां पहुंचा देते हैं इज इक्वल टू माइनस डीवी तो डी को मैंने यहां पहुंचा दिया ई e की वैल्यू पुट कर दी अब मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर देता हूं दोनों साइड्स को मैंने इंटीग्रेट कर दिया अब ये जो छोटू आर है ये यहां पे भी हो सकता था और इंफिनिटी पे भी ले सकते थे करेक्ट हम कहीं पे भी ले सकते हैं ना छोटू आर को न टेक दिस छोटू आर फ्रॉम से छोटू आर टू इन्फिनिटी तो चिलन अगर यहां पर मैंने लिमिट छोटू आर से लेकर इन्फिनेटी लिखा है तो अगर यहां छोटू आर है तो वोल्टेज में यहां पर पोटेंशियल ऑफ छोटू आर लिखना पड़ेगा और यहां इन्फिनिटी है तो यहां के लिमिट्स में पोटेंशियल ऑफ इन्फिनी लिखना पड़ेगा अब तो बस इंटीग्रेट करना है कि क्यू कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएंगे ये वन अपॉन आर स्क्वायर को मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूं आर दा पावर टू दावर माइनस टू इज इक्वल्स टू डी को इंटीग्रेट करोगे तो वी आ जाएगा एंड वोल्टेज एट आर टू वोल्टेज एट इंफिनिटी देर फोर के क्यू इंटीग्रेट करते वक्त पावर को एक बढ़ाना है माइनस टू का पावर बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन और यहां आ जाएगा एक माइनस वन इसी तरह से इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स आर फ्रॉम आर टू तो इन्फिनिटी और यहां पे माइनस साइन भी है तो थोड़ा ध्यान दीजिए माइनस साइन तो माइनस वी की जगह पहले वोल्टेज एट इन्फिनिटी माइनस वोल्टेज एट आर तो ये इस माइनस साइन से ये वाला माइनस साइन कट जाएगा तो ये बन जाएगा के क्यू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस वन मैं लिमिट सब्सिट्यूट कर रहा हूं इन्फिनिटी टू द पावर माइनस वन माइनस आर टू दावर माइनस वन इज चिल्ड्रन इन्फिनिटी पे वोल्टेज हम जीरो मानते हैं तो वोल्टेज एट इन्फिनिटी हो गया जीरो माइनस वोल्टेज एट आर वन अपॉन इंफिनिटी ये भी जीरो होता है तो क्या बचेगा माइनस के क्यू बाय आर इनवर्स करोगे तो आर ही बचेगा देखो इसको यहां लाएंगे तो ये बचेगा इज इस टू माइनस पोटेंशियल एट आर माइनस माइनस कट गया तो यहां का पोटेंशियल मिल गया पोटेंशियल एट दिस डिस्टेंस आर इज गिवन बाय के क्यू बाई छोटू आर और ये तो बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है क्यों ये इतना अच्छा फॉर्मूला क्यों है भाई क्योंकि दिस इज ऑल्सो द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो क्या अब हमें इसके लिए एक्स्ट्रा नया फॉर्मूला रट्टा मारना पड़ेगा नहीं पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो हमें पहले से ही पता है तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पता है उसी का इस्तेमाल करेंगे हम इसके लिए अगर पॉइंट आउटसाइड है तो इसका मतलब अगर स्पीयर के बाहर कोई भी पॉइंट लिया जाए मान लो हमने स्पीयर के बाहर यह पॉइंट लिया है तो उसे ऐसा लगेगा कि स्पीयर पे जितना भी चार्ज है वो चार्ज यहां इसके सेंटर पे है दिसर विल लुक लाइक अ पॉइंट चार्ज टू दिस पॉइंट ये सेम टू सेम चीज हमने इलेक्ट्रोस्टाइट पार्ट वन में भी देखी थी कि अगर पॉइंट बाहर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज यही होता है ना आर तो ये सेम टू सेम चीज हमने देखी थी इन इलेक्ट्रोस्ट पार्ट वन अब चिल्ड्रन अगर आपको पूछ ले कि यहां कितना पोटेंशियल होगा सरफेस पे तो वो भी आसान है सरफेस पे अगर आप ये पॉइंट लेंगे सरफेस पे तो जो छोटू आर है वो कैपिटल आर बन जाएगा तो अगर मैं पोटेंशियल एट सरफेस की बात करूं तो वो हो जाएगा के क्यू सरफेस पे छोटू आर और रेडियस दोनों सेम हो जाते हैं तो यहां छोटू आर की जगह बस कैपिटल आर आ जाएगा तो दिस इज द पोटेंशियल एट द सरफेस तो सरफ़ेस का पोटेंशियल कैसे निकालना है पोटेंशियल आउटसाइड में छोटू तो आर की जगह कैपिटल आर डाल दो खत्म तो ये हो गया पोटेंशियल एट सरफ़ेस। तो ये याद रखना इतना जरूरी नहीं है क्योंकि अगर आपको ये पता है पोटेंशियल आउटसाइड अगर आपको पता है पोटेंशियल आउटसाइड ए नॉन कंडक्टिंग स्पियर अगर आपको पता है तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस भी आपको क्लियर कट पता चल जाएगा तो ये एक्स्ट्रा से रट्टा मारने की जरूरत नहीं है बस इसमें छोटू आर को कैपिटल आर बना दो क्योंकि सरफेस पे छोटू आर और कैपिटल आर सेम होते हैं अगला केस लेते हैं चिल्ड्रन अगर हमारा पॉइंट अंदर आ गया तो क्या होगा तो यह है चार्ज पियर यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब अंदर पूरा चार्ज भरा पड़ा होगा यूनिफॉर्मली चार्ज इसलिए नॉन कंडक्टर भी होगा इसका रेडियस है आर और अब हम अंदर की तरफ है ये देखो छोटू so, आर बड़े आर से छोटा है यानी कि हम स्पीय के अंदर है देखो अब हम स्पीय के अंदर है तो क्या यहां का पोटेंशियल मुझे पता है बिल्कुल पता है मुझे यहां का पोटेंशियल क्या है यहां का पोटेंशियल सॉरी पोटेंशियल है रियली रियली सॉरी चिल्ड्रन क्या यहां का मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है बिल्कुल पता है मैंने इलेक्ट्रोसाइट पार्ट वन में बताया था द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड नॉन कंडक्टिंग स्पीयर इज गिवन बाय के क्यू बाय बड़ा आर क्यूब इनटू छोटू आर तो मुझे इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड पता है अब इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो वोल्टेज के लिए मुझे पता है ई e को मैं लिख सकता हूं माइनस वी बाय डी आर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डाल दिया डीआर को यहां पहुंचा देते हैं सो माइनस डीवी इज इक्वल टू के क्यू आर बाय आर क्यू नाउ विल इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो अब मैं इंटीग्रेशन का साइन डाल देता हूं माइनस डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रल के क्यू छोटू आर बाय आर क्यू डी आर और डालते हैं लिमिट्स तो लिमिट्स के लिए कोई दो पॉइंट चाहिए एक पॉइंट मैं इसे चूज करता हूं और एक पॉइंट हम इसे चूज कर लेते हैं तो यहां पे जो वोल्टेज होगा वो होगा वोल्टेज इनसाइड और यहां पे जो वोल्टेज होगा वो हो जाएगा वोल्टेज सरफेस तो लिमिट्स के लिए कोई दो पॉइंट चाहिए ना तो मैंने ये दो पॉइंट सिलेक्ट कर लिया इस पॉइंट का नाम दे दिया वोल्टेज इनसाइड और इस पॉइंट का नाम दे दिया वोल्टेज सरफेस तो लिमिट्स क्या होंगी वोल्टेज सरफेस और वोल्टेज इनसाइड वोल्टेज सरफेस वोल्टेज इनसाइड अगर आप सरफेस पे हो तो छोटू आर की क्या वैल्यू है अगर आप सरफेस पे हो तो छोटू आर और कैपिटल आर तो सेम हो जाता है यहां पे सरफेस है तो छोटू आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी और अगर आप अंदर हो तो छोटू आर की वैल्यू छोटू आर है समझ तो में आ रहा है ना अगर आप सरफेस पे हो तो छोटू आर की वैल्यू कितनी है कैपिटल आर अब आप अंदर हो अगर आप अंदर हो तो छोटू आर की वैल्यू क्या दी हुई है छोटू आर तो आर की लिमिट है फ्रॉम कैपिटल आर टू स्मॉल आर देखो अंदर है तो छोटू आर सरफेस पे है तो बड़ा आर अब इसको इंटीग्रेट करते हैं माइनस डीवी को इंटीग्रेट करोगे तो माइनस वी आएगा फ्रॉम वोल्टेज सरफेस वोल्टेज इन साइड इज इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट क्यू कॉन्स्टेंट आर क्यूब कॉन्स्टेंट छोटू आर को इंटीग्रेट करोगे तो आर स्क्वायर बाई टू आएगा फ्रॉम आर टू आर देर फोर माइनस ऑफ वोल्टेज इन साइड देखो माइनस साइन है ना माइनस ऑफ वोल्टेज इन साइड फिर माइनस ऑफ माइनस करेंगे तो प्लस वोल्टेज एट दी सरफेस विल बिकम इक्वल टू के क्यू बाय आर क्यूब पहले आर की वैल्यू छोटू आ रखनी है ये टू को बाहर ले लेता हूं आर स्क्वायर माइनस बड़ा आर स्क्वायर मैंने लिमिट सब्सिट्यूट कर दिया आर स्क्वायर माइनस बड़ा आर स्क्वायर देर फोर वोल्टेज एट सरफेस तो मुझे पता है माइनस वोल्टेज इन साइड प्लस वोल्टेज ऑफ सरफेस तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था के क्यू बाय आर ये वोल्टेज ऑफ सरफेस है इज इक्वल्स टू के क्यू बाय टू आर क्यू मैं ब्रैकेट खोल रहा हूं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस के क्यू बाय टू आर क्यू इंटू बड़ा आर स्क्वायर तो चले बड़े ये आर स्क्वायर से यह कट जाएगा चिलन में हर जगह माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि मुझे वोल्टेज इन मिल जाए तो इसको मैं माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा वोल्टेज इन इसको माइनस करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा माइनस के क्यू बाय आर इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाय टू आर क्यूब इसको माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा के क्यू बाय टू आर चिलन आप यहां तक लिख लीजिए मैं आप पेस्ट ऑन करने वाला हूं तो चलन पिछला रिलेशन मैंने आपके सामने एक बार फिर से लिख दिया है तो अब मुझे वोल्टेज इन मिल जाएगा द वोल्टेज इन साइड इज इसको यहां लेता हूं तो ये हो जाएगा के क्यू बाई टू आर प्लस के क्यू आर तो ये हो जाएगा थ्री के क्यू बाय टू आर इन दोनों को ऐड कर दो तो यही मिलने वाला है माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाय टू क्यूब अब ये तो फॉर्मूला बन गया पर बहुत सारी बुक्स में इस फॉर्म में ये फॉर्मूला नहीं दिया होता क्या किया जाता है इसमें जबरदस्ती न्यूमरेटर में आर स्क्र मल्टीप्लाई किया जाता है और डिनोमिनेटर में आर स्क्र मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां एक मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पे भी आर स्क्र मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आर क्यूब हो जाएगा ऐसा इसलिए किया ताकि ये कॉमन आ जाए तो ये हो जाएगा देखो के क्यू और टू आर क्यूब कॉमन आ जाएगा इट विल बिकम के क्यू बाय टू आर क्यूब, ब्रैकेट में बचेगा थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो बुक्स में इस फॉर्म में दिया होता है तो दिस इज द इन साइड तो यह आपको याद रखना पड़ेगा और अगर आप एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आपको ये फॉर्मूला कुछ देखा देखा था लगेगा ये फॉर्मूला आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में पोटेंशियल इनसाइड ए सॉलिड स्पीय इस तरह से पढ़ा था ग्रेविटेशन चैप्टर में भी ऐसी कुछ फॉर्मूला था बस के की जगह था कैपिटल जी क्यू की जगह था एम जी एम बाई टू आर क्यू थ्री आर स्कूल पोटेंशियल इन साइड ए सॉलिड स्पीय तो ग्रेविटेशन में भी आपके चैप्टर ये कंसेप्ट पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशन में भी ये पढ़ चुके हैं बस जी की जगह के है और मास की जगह चार्ज है बाकी फॉर्मूला पूरा सेम ही है तो चिलेन इसका ग्राफ बनाते हैं अब ये पोटेंशियल इनसाइड का फॉर्मूला है पोटेंशियल आउटसाइड का फॉर्मूला मैं आप एक बार फिर से लिख देता हूं आपके लिए के क्यू बाय छोटू आर तो पोटेंशियल इनसाइड का ये फॉर्मूला है पोटेंशियल आउटसाइड का ये फॉर्मूला है अब अगर हम ग्राफ बनाए पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द पॉइंट तो जब तक आप शेल के अंदर हो जब तक आप शेल के अंदर हो तब तक ये फॉर्मूला लगेगा और इस फॉर्मूला में जो पोटेंशियल है इट डिपेंड्स ऑन माइनस आर स्क्वायर तो जो पोटेंशियल इनसाइड है वो माइनस आर स्क्वायर के प्रपोर्शन में जब एक चीज दूसरे के स्क्वायर के प्रपोर्शन में बनती है तो ग्राफ पैराबोलिक बनता है लेकिन माइनस है इसलिए ये ग्राफ राइट इस तरह का पैराबोला नहीं बनेगा ऐसा ऊपर की तरफ जाने वाला पैराबोला नहीं बनेगा ये नीचे की तरफ आने वाला पैराबोला बनेगा तो पोटेंशियल इंसाइड का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है ये पैराबोलिक पात होता है पैराबोला एक्चुअली और चिल्ड्रन ही आप स्पियर के सरफेस पे पहुंचोगे तब छोटू आर की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी और जब आप सरफेस पे पहुंचते हो तो पोटेंशियल क्या होता है के बड़ा आर। तो जब जब छोटू की वैल्यू कैपिटल आर हो जाएगी तब आप के सरफेस आउटसाइड हो, हो जाओगे तो देखो इन्वर्स प्रपोर्शन का ग्राफ बनेगा इन्वर्स प्रपोर्शन का ग्राफ एक हाइपर होता है तो ये वाला पार्ट एक हाइपर है तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा अब चिल्ड्रन इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना भी आसान है इस पॉइंट पे छोटू आर की वैल्यू क्या है जीरो करेक्ट है ना इतना तो कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको आना ही चाहिए कि एक्सिस पे पे के कोऑर्डिनेट जीरो होता है तो इस पॉइंट का वैल्यू जीरो है का वैल्यू जीरो है यानी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर जीरो है आर का वैल्यू जीरो छोटू आर का वैल्यू जीरो है है छोटू क्या होता डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर का, का वैल्यू जीरो है मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर जीरो है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर जीरो है तो यहां पे क्या होगा दिस इज पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्पीयर करेक्ट ना दिस इज द दिस इज द वैल्यू ऑफ वी एट द सेंटर ऑफ स्पीयर और इसकी वैल्यू कैसे निकाले स्पीयर के सेंटर में है मतलब स्पियर के अंदर या है बाहर है अफकोर्स सेंटर स्पियर के अंदर होता है तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मूले में अगर मैं छोटू आर को जीरो डाल दू मुझे स्पीयर के सेंटर पे चाहिए ना मुझे पोटेंशियल स्पीयर के सेंटर पे चाहिए ना तो मैं छोटू आर को क्या डालूंगा जीरो जैसे ही छोटू आर को जीरो डालूंगा ये आ जाएगा आंसर आर स्क्वायर से ये क्यू हट जाएगा तो बचेगा थ्री के क्यू बाय टू आर कैंसिल करो देखो आर स्क्वायर कट जाएगा और ये इसका क्यू हट जाएगा क्या बचा देखो थ्री के क्यू टू आर तो यहां जो पोटेंशियल है इस पॉइंट पे वो है थ्री के क्यू बाय टू आर तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल पता है इस पॉइंट का भी पोटेंशियल पता है और फिर इस तरह से एक हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा तो ये इसका ग्राफ है चिल्ड्रन नीट में और जेडब्ल्यू में ये ग्राफ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इसे पूछा जा चुका है तो चिल्ड्रन अभी अभी हमने डेरिवेशन देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग स्पीयर अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्पीय चिल्ड्रेन केस वन लेते छोटू आर इज ग्रेटर देन बड़ा आर यानी कि पॉइंट आउटसाइड है तो चिल्ड्रेन इसका जो डेरिवेशन है वो सेम एज नॉन कंडक्टिंग स्पीयर है क्योंकि जब पॉइंट बाहर होता है स्पीयर के क्योंकि जब पॉइंट स्पीयर के बाहर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग सेम होता है तो इसका जो डेरिवेशन है वो नॉन कंडक्टिंग स्पीयर के जैसा ही है इसलिए मैं सीधा सीधा इसका फॉर्मूला लिख देता हूं अगर ये कंडक्टिंग स्पियर है तो इसका चार्ज बाहर की तरफ होगा चार्ज बाहर की तरफ है Q, इसका रेडियस है आर और ये पॉइंट बाहर की तरफ है ये डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक छोटू तो यहां जो पोटेंशियल होगा वो होगा के क्यू बाई छोटू आर इसके डेरिवेशन में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि सेम है और उसी तरह से पोटेंशियल एट द सरफेस ये पोटेंशियल आउटसाइड है पोटेंशियल एट द सरफेस भी उसी तरह से आ जाएगा सरफेस पे छोटू आर और बड़े आर दोनों की वैल्यू सेम होती है देखो सरफेस पे रेडियस और छोटू आर सेम हो जाता है तो पोटेंशियल एट सरफेस हो जाएगा के क्यू बाय आर तो इन दोनों का डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है हम सीधा केस टू पे आते हैं केस टू छोटू आर इज लेस देन बड़ा आर यानी कि जो पॉइंट है दो क्योंकि कंडक्टर है इसलिए अंदर चार्ज नहीं बनाना है सिर्फ सरफेस पे चार्ज बनाना है अब हमें अंदर की तरफ एक पॉइंट है छोटू आर ये है वो पॉइंट यहां वोल्टेज निकालना है तो यहां पे हमें पोटेंशियल निकालना है तो चिल्ड्रन टेक्निक वही रहेगी टेक्निक है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस डोवी बाय डो आर इसको यहां भेज देता हूं तो ई इंटू डी आर इज टू माइनस और फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हमें पोटेंशियल के लिए दो पॉइंट चाहिए तो एक पॉइंट ले लेते हैं छोटू आर और एक पॉइंट ले लेते हैं बड़ा आर चिलेन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है तो ये जीरो है ये पूरे का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा देरफोर यहां से यहां लिख रहा हूं मैं देरफोर जीरो इज टू पोटेंशियल एट कैपिटल आर माइनस पोटेंशियल एट छोटू आर देर फोर पोटेंशियल एट छोटू आर इज द पोटेंशियल एट कैपिटल आर देर फोर पोटेंशियल एट छोटू आर वॉट इज द पोटेंशियल एट कैपिटल आर के क्यू बाय कैपिटल आर तो चिल्ड्रन जो पोटेंशियल सरफेस पे होता है कंडक्टिंग स्पीयर के वही पोटेंशियल अंदर भी होता है यानी और देखो इस फॉर्मूले की एक और बहुत खास बात देखो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ छोटू आर इंडिपेंडेंट ऑफ छोटू आर यानी कि इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल के क्यू बाय कैपिटल आर इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल के क्यू बाय कैपिटल आर मतलब आप अगर इस स्पीयर के अंदर हो अगर आप कंडक्टिंग स्पीयर के अंदर हो तो आपका पोटेंशियल कांस्टेंट है क्योंकि वो के पे डिपेंड करता है जो कॉन्स्टेंट है क्यू इसके ऊपर जो चार्ज है वो कॉन्स्टेंट है रेडियस इसका जो रेडियस है वो कॉन्स्टेंट है इट इज ए कॉन्स्टेंट यानी कि यहां जो पोटेंशियल है यहां पे भी वही पोटेंशियल है यहां पे भी वही, पे भी वही जब तक आप इस पीयर के अंदर हो तब तक छोटू आर का कोई लेना देना नहीं है तो चलो ना अब इसके लिए ग्राफ बनाते हैं हमें पोटेंशियल आउटसाइड पता है क्यू बाय चोटू आर और पोटेंशियल इनसाइड हमें पता चल चुका है के क्यू बाय आर और ये एक कॉन्स्टेंट है कैपिटल आर तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का तो चिल्ड्रन जब तक आप अंदर हो तब तक पोटेंशियल देखो कॉन्स्टेंट है जब तक आप अंदर हो तब तक पोटेंशियल कॉन्स्टेंट है जब छोटू आर और बड़ा आर सेम हो जाएंगे उसके बाद भी पोटेंशियल रहेगा जब आप बाहर निकलोगे जब छोटू आर की वैल्यू बड़े आर से ज्यादा हो जाएगी जब आप आउटसाइड आ जाओगे, तब फॉर्मूला लगेगा फिर एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा तो जब तक अंदर हो तब तक कॉन्स्टेंट बाहर गए तो इनवर्स प्रपोर्शन तो यह है इसका ग्राफ तो चिल्ड्रन अब मैं आपको ओवरऑल समरी दे देता हूं और अब मैं जो फॉर्मूला दे रहा हूं आपको वो एक एक फॉर्मूला याद होना चाहिए क्योंकि अगले वीडियो में इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो आप एक एक फॉर्मूले को रट मारो खा डालो फॉर्मूले को। कोई नींद से भी उठा के पूछे तब भी आपको फॉर्मूला आना चाहिए अगर मैं एक नॉन अगर मैं कंडक्टिंग स्पीयर की बात करूं कंडक्टिंग स्पियर तो ये हो गया कंडक्टिंग स्पियर अंदर की तरफ जो पोटेंशियल होता है वो कॉन्स्टेंट होता है क्यू बाय बड़ा आर वेर बड़ा आर मतलब रेडियस प्लीज प्लीज एक एक मीनिंग समझो ओके तो पोटेंशियल इनसाइड इज ए कांस्टेंट और वही अगर आप बाहर की तरफ पोटेंशियल लोगे तो वो हो जाएगा के क्यू बाय छोटू आर इसको भी याद रखना इतना डिफिकल्ट नहीं है क्यों क्योंकि ये पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट स्पियर जैसा दिखता है ये फॉर्मूला आपको पहले से याद है और अगर एक नॉन कंडक्टिंग स्पीयर है पे लिख देता हूं पोटेंशियल आउटसाइड ये क्या है पोटेंशियल आउटसाइड अगर एक नॉन कंडक्टिंग स्पीयर है और अंदर की तरफ आपको पोटेंशियल चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाय थ्री के क्यू बाय टू आर क्यूब थ्री आर स्क्वायर माइनस छोटू आर स्क्वायर वेर दिस इज छोटू आर अगर मैं कोई बाहर का पॉइंट पकड़ लू तो ये बाहर का पॉइंट आर है तो यहां पे जो पोटेंशियल है पोटेंशियल आउटसाइड ये हो जाएगा के क्यू बाय आर तो ये फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पॉइंट चार्ज की तरह होगा चिल्ड्रन ये जितना भी समरी है इस वीडियो का ये आपको बहुत ही अच्छे से बाय हार्ट होना चाहिए नहीं तो अगले वीडियो में आप रोने लगोगे प्लीज बाय हार्ट देम